हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्या बोला है? मिस्टर विवेक अंडरटुक कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कब चालू किया? 1 जनवरी 2000 को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चालू किया, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 15 लाख। याद रखना, जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करें, अपने क्वेश्चन की बात करें, तो अपने को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि सर वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा क्या है? 15 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद क्या बोला है? द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर 2000। मटेरियल परचेज, मटेरियल हम लोग ने परचेज किया तो ये कौन सी साइड पे आना चाहिए? निर्णय डेबिट साइड पे है ना? यस सर। ओके ठीक है, ये मटेरियल हम लोग ने परचेज किया। अब ये देखते हैं मटेरियल परचेज किया, इसका कितना यूज किया है, क्या है? ये क्या बोला है? मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, ये मटेरियल परचेज भी कौन सी साइड पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे। अगर मटेरियल परचेज का अपने को कोई क्लोजिंग वैल्यू दिया है तो हम लोग डिफरेंस करके हम लोग क्या करेंगे? उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ये मटेरियल परचेज दिया है तो ये टेम्पररी हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट साइड पे। मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया? इश्यू किया, तो डेफिनेटली ये कौन से साइड पे आएगा? मटेरियल इश्यूड डेबिट साइड पे। उसके बाद लेबर एम्प्लॉयड ऑन साइट, ठीक है, मतलब साइट पे हम लोग ने लेबर को कुछ पैसा वगैरह हम लोग ने दिया। अभी क्या बोला है? प्लांट इंस्टॉल एट साइट, मतलब ये कौन सा है सर? ये ओपनिंग वैल्यू है। प्लांट का कौन सा वैल्यू है? ओपनिंग वैल्यू। प्लांट हमारा असेट्स होता है, ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा। अभी अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है और अपने को क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, तो ये भी कौन से साइड पे आएगा सर? डेबिट साइड पे। कैश रिसीव्ड, सर ये कैश रिसीव्ड हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखते नहीं है, बट सर ये कैश रिसीव्ड अपने को कहीं ना कहीं आगे जाके काम देने वाला है। ठीक है, तो ये कैश रिसीव्ड अपने को याद रखना है, विच इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मुझे बताओ, मैंने तेरे को लास्ट लेक्चर बताया था तुम लोग को कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड हमेशा जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है उससे हमेशा लेस ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? लेस होगा। जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है उससे कैश हम लोग को कम ही मिलेगा। तो इधर उन्होंने क्या बोला है? ये जो कैश रिसीव्ड है विच इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कैन आई से ये जो 6 लाख है ये कितना परसेंट है? 80%। कितना परसेंट है? 80%। तो अगर यहां मैं रेशो देखूं तो रेशो क्या होगा? कैश रिसीव्ड इज टू वर्क सर्टिफाइड। अगर मेरा 100% वर्क सर्टिफाइड होगा तो मुझे कैश कितना मिलेगा? 80%। इज दैट क्लियर? अगर मेरे को कैश रिसीव्ड का अमाउंट दिया है 6 लाख, तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करो कितना होता है। नहीं, 6 लाख 100%, 6 लाख पे 100% नहीं बेटा, ये जो कैश रिसीव्ड है वो कितना परसेंट है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये जो 6 लाख है वो 80% है, तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 6 लाख परसेंट हटा दो तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, 7,50,000। 7,50,000 ये हमारा क्या है? वर्क सर्टिफाइड। समझा वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाला हम लोग ने? यस सर। अभी ये जो वर्क सर्टिफाइड है हम लोग कौन से साइट पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड, ये कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड, WIP में आएगा। ओके, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, सर ये रिटर्न कर दिया मटेरियल को, तो ये भी कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। मटेरियल इन हैंड एट द एंड, ये कौन से साइड पे आएगा सर? WIP। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करना बाकी है। क्या होगा बेटा? पे करना बाकी है। हाँ, डेबिट साइड पे। कैसे डेबिट साइड पे आएगा?
सर क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना वो, आउटस्टैंडिंग है, पे करना ठीक है, अपना लाइफ करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, अक्रूड का मतलब भी होता है आउटस्टैंडिंग, जो हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड पे। तो ये पर्टिकुलर जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो लेबर में जाके क्या हो जाएगा एड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाके क्या करेंगे हम लोग एड करेंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग है वो। ओके उसके बाद क्या बोला है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एंड शो द अमाउंट वुड बी अपियर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट अपियर होगा वो भी अपने को फाइंड आउट करना है। अभी क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वॉज स्टोलन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000, द प्लांट डेप्रिशिएटेड कितना 20%। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ हम लोग ने प्लांट इंस्टॉल किया था एट साइट पे कितना 1,20,000, तो आउट ऑफ 1,20,000 उन्होंने क्या बोला है प्लांट कितने का सर स्टोलन हो गया 20,000। मतलब इन शॉर्ट, और उन्होंने बोला एट द बिगिनिंग, मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ उसके पहले ही प्लांट क्या हो गया सर स्टोलन हो गया। तो अभी हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो बताओ सर 1,20,000 पे निकालना चाहिए या 1,00,000 पे निकालना चाहिए। तो उसमें 1,12,000 वापस मिला ना हम लोग को इंश्योरेंस का। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो अपने को कंसीडर ही नहीं करना है। उन्होंने बोला इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को 12,000 क्लेम किया है, वो तो असेट साइड पे आएगा ना इंश्योरेंस। हाँ बराबर, ये इंश्योरेंस 1,00,000 पे निकलेगा, 1,00,000 पे निकलेगा। ठीक है, अभी इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अपने को 12,000 का इंश्योरेंस देने को, तो रिमेनिंग 8,000 ये क्या है हमारा लॉस हो गया ना। यस सर, अभी ये लॉस कहाँ जाएगा सर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में था, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड, डेबिट। और जो डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, 1,00,000 पे, 1,00,000 पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे है ना। यस सर, ओके अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले हमारा ईयर चालू कहां से हो रहा है, फर्स्ट जनवरी ना, तो ईयर एंड कहां से होगा, एंड कहां होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे डेबिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000। ओके, अभी डेबिट साइड पे क्या आएगा निने, टू लाइन वाइज ही जाएगी। सबसे पहले अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो ये कौन से साइड पे आएगा, बट ऑब्वियस मटेरियल मैंने परचेस किया मतलब एक्सपेंस किया, तो मटेरियल परचेस डेबिट साइड पे कितना दिया है, मटेरियल परचेजेस 2,40,000। फिर क्या बोला है, मटेरियल इश्यूड कितना है 3,00,000, किधर आएगा मटेरियल इश्यूड 3,00,000। नेक्स्ट लेबर एम्प्लॉयड एट साइट कितना 90,000, इसका मतलब क्या हो गया, ये लेबर एम्प्लॉयड मतलब वेजेस पे किया, और वेजेस पे एडजस्टमेंट है इसलिए उसको कहां लिखेंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों सर एडजस्टमेंट है, बिकॉज उन लोगों ने आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे एड आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एकदम लास्ट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस इज हाउ मच 18,000, तो 90,000 में 18,000 हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 1,08,000। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपने को क्वेश्चन में दिया है
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाउ मच, 60,000। ठीक है, तो 60,000 हमारा डायरेक्ट इनर कॉलम में आएगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग अपने को कितना दिया है क्वेश्चन में, तो आउटस्टैंडिंग दिया है 24,000। यहां देखना, अपने को अक्रूड बोला है, अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग कितना, 24,000। ओके, तो 24,000, तो 60,000 में 24,000 ऐड करो कितना हो जाएगा, 84,000। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अच्छा सर ये प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, कितना प्लांट इंस्टॉल किया सर, 1 लाख 1,20,000। पर सर 1,20,000 में से तो 20,000 तो वैसे ही चोरी हो गया। ठीक है, अभी अपने को निकालना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, तो सर रिमेनिंग 1 लाख पे, तो 1 लाख पे कितना परसेंट आएगा, 1 लाख पे 20%, तो निकालो 1 लाख पे 20% कितना आता है, 20,000। कितना है, 20,000। बट सर यहां अपना लॉस बाय स्टोलन भी है, ठीक है, लॉस बाय स्टोलन कितना सर, तो टोटल लॉस हुआ था 20,000 का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को दे दिया 12,000, तो अपने को नेट लॉस कितना हुआ, 8,000 का अपने को। ओके, तो ये हो गया प्लांट से रिलेटेड जो भी था। उसके बाद क्या बोला है, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट चार्ज एक्सपेंस कितना है, 15,000। इधर लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, तो सर वो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस का वो नहीं आएगा डेबिट साइड में, नहीं क्योंकि वो असेट्स है ना बेटा, वो हमारा क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस शीट में आएगा, साइड में सब एक्सपेंस लिखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी क्या बोला है, कैश रिसीव्ड, सर कैश रिसीव्ड तो हम लोग नहीं लिखते, बट हम लोग क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस में तीन चीजें होगी, सबसे पहले क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड, सेकेंड वर्क अनसर्टिफाइड, थर्ड मटेरियल एट साइट। पहले वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग ने कैलकुलेट किया था कितना था बेटा, वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 is your वर्क सर्टिफाइड। एक्चुअली इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए, बट अभी मैंने वो लिख दिया है, तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं 7,50,000। उसके बाद अपने को वर्क अनसर्टिफाइड दिया है कितना, 1,50,000, तो वर्क अनसर्टिफाइड इज 1,50,000। उसके बाद क्या बोला है अपने को, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000, तो हम लोग उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितना रिटर्न किया हम लोग ने, 15,000 का रिटर्न कर दिया। ओके, 15,000 का रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, मटेरियल इन हैंड है, मतलब मटेरियल एट साइट हो गया, कितना, 6,000, तो हम लोग ने लिख दिया 6,000। उसके बाद ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द अमाउंट वुड बी अपियर इन द बैलेंस शीट एंड द पार्ट प्लांट 20,000 स्टोलन, ये भी हो गया, मतलब सब पूरा एडजस्टमेंट हमारा हो गया। यहां तक क्लियर है नहीं? यस सर। अभी हम लोग अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यस सर, क्लोज करो ना, विच साइड इज मोर, कैलकुलेट विच साइड इज मोर
सर क्रेडिट साइड बढ़े 9,75,000 9,75,000 माइनस डेबिट करो कितना आता है 2 लाख 2 लाख ये जो 2 लाख आया है ये हमारा क्या है टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन ये समझा नोशनल प्रॉफिट यस सर अभी ये नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन से सेम अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे ब्रॉट डाउन करेंगे मेरा यहाँ अकाउंट थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया बेटा आगे तो टोटल के नीचे वापिस से हम लोग क्रेडिट साइड में डेबिट से कहां जाएगा क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट कितना 2 लाख अभी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा सर ये जो 2 लाख का जो हमारा नोशनल प्रॉफिट हुआ है इसमें से कितना अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओके और कितना जाएगा सर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। अब ये वर्किंग नोट कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये अपने को पता चलेगा वर्किंग नोट नंबर 2 से ठीक है तो यहाँ हम लोग वर्किंग नोट नंबर बनाते हैं वर्किंग नोट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 अभी सर वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होता है अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है सर हमारा वर्क और फॉर्मूला क्या होता है निर्णय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास 7,50,000 है ना 7,50,000 और 7,50,000 और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 15 लाख तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100 कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है हमारा वर्क फिफ्टी परसेंट अगर 50% कंप्लीट हुआ है 50% कंप्लीट हुआ है तो कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा तो अमाउंट वर्किंग नोट नंबर कौन सा होगा वर्किंग नोट नंबर 2 अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड ये हमारा फॉर्मूला होगा बेटा ठीक है बिकॉज ये थर्ड वाले कैटेगरी में आता है नहीं नहीं यस सर ये समझा फॉर्मूला हाँ तो 2/3 हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड देखो यहाँ कैश रिसीव्ड अपने को काम आया कैश रिसीव्ड कितना है 6 लाख और वर्क सर्टिफाइड कितना है वर्क सर्टिफाइड इज 7,50,000 तो कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं नहीं 1,6,666.66 हाँ अभी देखना ये तेरे को टाइम क्यों लगा पता है यहाँ 6 लाख है और डिवाइडेड बाय 7 है तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 पहले ऐसा कर देने का ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा 0.88 विच इज 80%
मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 / 3 तो अपने को ये आंसर आ जाएगा। यस सर। अभी इसका मतलब ये होता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में आउट ऑफ 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को कितना ट्रांसफर करना है, 1,06,600 कितना आएगा, 1,06,667 इतना अमाउंट हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, 2 लाख को क्लोज करेंगे। अमाउंट फाइंड आउट करो कितना आएगा, 93,333 इतना अमाउंट हम लोग को क्या निकला, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये था हमारा नॉर्मल वाला क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ एक ही साल का इन्फॉर्मेशन देना है। उन्होंने बोला है बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, है ना, एस्ट्रैक बैलेंस शीट भी बोला है। याद रखना यहाँ बैलेंस शीट टैली नहीं होगा क्योंकि अपने को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आ सकती है, ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ। तो देखो बैलेंस शीट ऐसे बनेगा इसका, पढ़ू निर्णय क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो प्रिंट नहीं हुआ इस तरफ, वो फोटो लेने में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है, पढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेकन 3 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस बार एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, अपने पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2004। तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी और कॉन्ट्रैक्ट सी। देखो अगर हमारे पास 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने पास ऑप्शन है कि टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट सी अकाउंट। अदर ऑप्शन क्या है कि सर एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, और कितना कॉलम बनाओ सर, 3 कॉलम बनाओ, कॉलम यूनर में बनाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी एंड कॉन्ट्रैक्ट सी। इससे क्या होगा, इससे टाइम बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर कितनी कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ताकि अपना टाइम क्या हो जाएगा बेटा, सेव हो जाए। तो यहाँ देखो जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तब कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004, और ये होगा हमारा पर्टिकुलर, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी और कॉन्ट्रैक्ट सी। उसी तरीके से यहां होगा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी एंड कॉन्ट्रैक्ट सी। इज दैट क्लियर? नहीं है होगा हमारा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। नहीं नहीं समझा, कॉलम यूनर में बनाएंगे हम लोग। अभी जो भी खर्चे हो गए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो भी इनकम या फिर WIP रहेगा वो कौन से साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आगे बढ़े निर्णय? यस सर। देखना ये प्राइस लिखा है, प्राइस, ठीक है, ठीक है। अभी प्राइस में अपने को क्या लिखा है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 10 लाख, 25 लाख और 7,50,000, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट एक मिनट बेटा, कट हो गया, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या लिखा है। हाँ सेकेंड है, ये लिख लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड है हमारा मटेरियल इश्यूड, ये जो है ना, ये है मटेरियल
इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड नंबर पे दिस, ये वाला, ओके okay? और नेक्स्ट दिया है ये जो है ना, ये है हमारा लेबर, ठीक है, नहीं ना? यस सर, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हम लोग को आगे काम आएगा। मटेरियल इश्यू बताओ कौन से साइड पे लिखते हैं, मटेरियल इश्यू डेबिट साइड पे, लेबर भी कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, डेबिट। सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट क्या बोला है, सुपरविजन चार्जेस कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। आर्किटेक्ट फीस डेबिट साइड। इंश्योरेंस चार्जेस कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी मींस कैश रिसीव्ड, क्या बोला, कैश रिसीव्ड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल एट साइट, ठीक है, ये मटेरियल एट साइट है। और मटेरियल एट साइट हम लोग कहां लिखते हैं, डब्ल्यू आई पी, यस सर। उसके बाद उन्होंने बोला है द ऑल कॉन्ट्रैक्ट वेर कमेंस ड्यूरिंग द ईयर, एक ही साल में हमारे चालू हुआ है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंटेड रुपीज 11,200। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब पूरे सब प्लांट का मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 11,200। एंड एलोकेटेड द सेम ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड है उसी में हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, वही रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है, ये टोटल डेप्रिसिएशन किस 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 में जाएगा, ए में जाएगा, बी में जाएगा और सी में जाएगा, कौन से रेशो में, वर्क सर्टिफाइड वाले रेशो में, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड का रेशो क्या है, देखो यहाँ 4 लाख 5 लाख एंड 5 लाख, तो रेशो क्या बन गया, 4:5:5, समझा नहीं मैं, यस सर। अभी क्या करेंगे, एक एक एक्सपेंस करते करते हम लोग लिखते जाएंगे। बेटा तेरे पास अगर मोबाइल रहेगा तो मोबाइल में वो ऑन कर लेना, ठीक है सर। मैं मोबाइल में ही, मेरा लेक्चर मोबाइल में चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इधर डेबिट साइड पे क्या आएगा, टू, सबसे पहले मटेरियल इश्यू, मटेरियल इश्यूड, तो मटेरियल इश्यूड कितना है, तो कॉन्ट्रैक्ट वन में है कितना है, ये वाला 1,65,200। तो ए में कितना आएगा, 1,65,200। बी में कितना है, बी में है 2,24,500। तो बी में आएगा 2,24,500। सी में कितना आएगा, 1,89,600। तो इधर लिखेंगे 1,89,600, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, अपने पास है लेबर, ओके okay? तो लेबर का कितना है, कॉन्ट्रैक्ट ए में कितना है, 1,02,000। इधर लिख दिया 1,02,800। फिर इधर आएगा 1,26,500। इधर आएगा 1,75,500। इज दैट क्लियर, यस सर। अभी डेबिट साइड पे क्या दिया है, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, इधर लिखेंगे टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस कितना, 72,800, 65,900 और 28,500। नहीं नहीं समझ रहा है ना मैं क्या करवा रहा हूं, हाँ सर। अभी डेबिट साइड पे और कौन से खर्चे हैं, सुपरविजन चार्जेस हैं, तो यहां लिखेंगे टू सुपरविजन चार्जेस कितने हैं, 12,000। ए का है, बी का कितना है, 18,000, तो बी में लिख दिया 18,000 और सी में कितना लिखा,
15,000। नेक्स्ट इसके बाद है आर्किटेक्ट फीस। आर्किटेक्ट फीस कितना है? 10,000, 15,000 एंड 25,000। उसके बाद क्या दिया है? 3,000, 6,100। ये क्या है? तो इंश्योरेंस चार्जेस। तो हम लोग यहां लिखेंगे डेबिट साइड पे टू इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस कितना है? 3,000, 6,100, 7,400। इज दैट क्लियर निर्णय? डेबिट साइड पे हम लोग ने सब क्या कर दिया बेटा? एक्सपेंस लिख दिया। एक्सपेंसेस सर लिख दिया। ओके अभी क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे हम लोग लिख बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी चीजें आती है? सबसे पहले आएगा वर्क सर्टिफाइड, फिर आएगा वर्क अनसर्टिफाइड, फिर क्या आएगा? मटेरियल एट साइट। पहले वर्क सर्टिफाइड देख लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड इज 4 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। इधर आएगा 4 लाख्स, 5 लाख्स एंड 5 लाख्स। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है अपने पास? तो वर्क अनसर्टिफाइड इज 35,000, 40,000 एंड 25,000। इधर आएगा 35,000, 40,000 एंड 25,000। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड जो कि अपने को फॉर्मूले में काम आने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 9,000, 10,000 एंड 20,000। इधर लिखेगी 9,000, 10,000 एंड 20,000। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी भी एक चीज बाकी है, बता कौन सी बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे अपने को क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 11,200। और कौन से रेशो में जाएगा? 4:5:5। डिवाइड करते हैं 4:5:5। हम लोग ने तीनों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नहीं यस सर। अभी क्या करेंगे? एक एक कॉन्ट्रैक्ट करके क्लोज करेंगे। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लोज कर लेंगे, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो चल क्लोज करते हैं। सबसे पहले ए वाला कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट साइड का टोटल करना। डेबिट साइड का टोटल कितना है बेटा? 3,69,000 का। तो इधर का टोटल बड़ा है, वो कैलसी में ही रखना बेटा। इधर का टोटल बड़ा है कितना है? 4,44,000। माइनस कर बेटा नोशनल प्रॉफिट 75,000। इधर क्या लिखेंगे? टू नोशनल प्रॉफिट। अगर सर अगर ये वाला बड़ा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड अगर बड़ा आया, सॉरी डेबिट साइड अगर बड़ा आया तो बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। हाँ, वो नोशनल लॉस नहीं होगा, वो डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लॉस हो गया ना, और लॉस अगर होता है तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में।
ठीक है, अभी आएगा बेटा, क्वेश्चन में आएगा। नोशनल प्रॉफिट, ये कैरिड डाउन से क्या होगा क्रेडिट साइड पे, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 75,000। ठीक है, अभी सेम अपने को वर्किंग नोट नंबर वन में क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अभी हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ए का फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्क सर्टिफाइड कितना है कॉन्ट्रैक्ट ए का, तो वर्क सर्टिफाइड अपने को मिल गया 4,00,000 रुपया। ठीक है, ऊपर से अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, ये किधर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10,00,000। इधर हम लोग लिख देंगे वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इधर कितना आएगा 10,00,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, कितना परसेंट होता है, 40%। अभी 40% आ गया है, मतलब हम लोग कौन से वाली कैटेगरी में, सेकेंड वाली कैटेगरी में। तो इधर क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर टू क्या होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू जो भी आएगा। तो अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए का देख रहे हैं। ए का कितना आएगा, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इज दैट क्लियर? नहीं है, यस सर। क्योंकि वो सेकेंड सेकेंड वाली कैटेगरी में आ गया। तो 1/3 नोशनल प्रॉफिट अपने पास कितना है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड कितना है, तो कैश रिसीव्ड अपने को यहां से मिलेगा कितना है, देखो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टी कितना मिला अपने को, 33,20,000। इधर कितना आएगा, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, करो कितना आता है, 2,00,000। बेटा नोशनल प्रॉफिट ये मेरा 75,000 है, तो 2,00,000 कैसे आ सकता है, 75,000 है, सॉरी मैं 7,50,000 आएगा बेटा, कितना आएगा, 20,000। इधर मैं कितना लिखूं, 20,000। ठीक है, निर्णय सर, हेलो, कोई डाउट है क्या, ये आएगा वर्किंग नोट नंबर टू। बेटा डाउट है क्या कोई, नहीं सर, वो मेरा वो गलती से 75,000 का 7,50,000 लिया, उसके लिए वो टू लैक है। तो ये कितना आएगा, 20,000 हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी कितना हो गया, तो इधर क्लोज करेंगे 75,000, और बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी हो जाएगा कितना, 55,000। बेटा यस सर, अभी बी का डेबिट का टोटल कर, बी का डेबिट का टोटल कितना है, 4,60,000 डेबिट साइड का, हाँ पक्का डेबिट साइड का कितना है, 4,60,000 और यहाँ का टोटल कितना है, 5,50,000, तो 5,50,000 कर कितना आता है, 90,000। तो ये जो 90,000 है हमारा नोशनल प्रॉफिट है, और ये 90,000 हम लोग जाके इधर लिखेंगे। अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेम स्टेप, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए अपने को क्या चाहिए, वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 5,00,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 25,00,000 है,
इधर कितना आएगा 25 लाख, कितना हुआ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? ट्वेंटी परसेंट तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? नहीं नहीं हाँ सर, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? सर सब होएगा क्योंकि 20% ही हुआ है। नील? हाँ नील होगा ना बेटा, क्योंकि कोई अमाउंट वही पूरा प्रोविजन, सब प्रोविजन में जाएगा वही। हाँ पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? प्रोविजन जाएगा। प्रोविजन इधर कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नील, ठीक है। और पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ चले जाएगा? 90,000 प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी में। इधर कितना आएगा? 90,000। इधर भी कितना आएगा? 90,000। इज दैट क्लियर? यस सर। टोटल अब सी का डेबिट साइड का टोटल करो, 4,45,000। 4,45,000 तो बट ओवेस यहाँ का बड़ा है 5,45,000। 5,45,000 डेबिट साइड का कितना है? 1,00,000। अभी ये 1,00,000 इधर लिखेंगे हम लोग, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट सी कंप्लीट। वर्क सर्टिफाइड कितना है? तो वर्क सर्टिफाइड इज 5,00,000। एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज हाउ मच? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 7,50,000। 5,00,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 करो कितना आता है? मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज मतलब यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? निर्णय थर्ड वन, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है? नहीं 1,00,000। हाँ वो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, क्या मालूम पेंसिल काम नहीं कर रहा है। हाँ क्या है? 2/3 इनटू 1,00,000 इनटू इनटू कैश रिसीव्ड कितना है? 3,75,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 3,00,000 कितना? 75,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, एंड वर्क सर्टिफाइड इज 5,00,000।